सर क्या लगता है कौन जीतेगा? कितना फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी और क्या लगता है कौन जीतेगा? नहीं, मैंने बहुत फॉलो किया बिग बॉस ओटीटी और क्या सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं, दे हैव वेरी एंटरटेनिंग और मैं भी सोच रहा हूँ कि कौन जीतेगा, सो लेट्स फिगर दैट आउट। सर क्या लगता है कौन सही जा रहा है अभी तक की जर्नी के हिसाब से, अगर आपकी अगर बात करें? सभी सही जा रहे हैं, सबके रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, प्यार भी हो रहा है और टास्क निभा रहे हैं, कभी कभी टास्क नहीं निभा रहे तो उसके भी दुष्परिणाम उनको भुगतने पड़ रहे हैं। लेकिन व्हाट वाज फैंटास्टिक ऑन ओटीटी वाज करण जौहर, कि उन्होंने जिस तरह इस पूरे शो को संभाला है, क्योंकि हम तो जानते ही है कि बिग बॉस सलमान खान सलमान भाई किस तरह करते हैं, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में अपनी एक अलग पहचान मुझे लगा कि करण जौहर ने इसमें की है। मैनी कंग्रेचुलेशन टू देम। एंड ऑल्सो क्या होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें लाइव दिखाना 24/7 एक नया तरीका है, एंड कूडोस टू द एंटायर टीम फॉर पुलिंग दिस ऑफ। ओके, आप क्या धमाल करने वाले हैं आज अंदर जाके? काफी एक रंगीन अवतार में नजर आ रहे हैं आप। आप काफी कलरफुल स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड? आई थिंक अभी ये खत्म हो चुका है, तो मतलब एक खुशी तो मैं पहले महसूस करूँ फिर दूसरी खुशी की ओर। रितेश, आप क्या करने वाले हैं आज अंदर जाके, अगर आपकी अगर बात करें? काफी एक कलरफुल अवतार में नजर आ रहे हैं आप अंदर, परफॉर्मेंस है तो क्या मतलब क्या होने वाला है अंदर? अभी वो देखो ना सर, अभी सपोर्ट करने वाले हैं बिग बॉस में विनर को। थैंक यू, थैंक यू। रुक जाओ हाथ हटाओ दादा भैया, चाचा बजुआ थोड़ा अरे हाकिम जा फटाफट जा, उधर जाना पाइप हाकिम उधर जा फटाफट। चलो चलो हो गया भाई, ओके हो रहा है, मैं हो गया, मिल गया। सेंटर मैम रितेश जनिंगे सेंटर। जी आ गए।